हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? और अपने बनाए हुए कुछ डिज़ाइंस कलेक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मैं बता दूँ कि मेरा फर्स्ट चैनल है मंदीप डिज़ाइंस, जिस पर मैं आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग सिखाती हूँ ब्लाउज़ की, और फिर वही ब्लाउज़ का कलेक्शन बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी डिज़ाइंस देख पाएँ। और सभी डिज़ाइंस मेरी लेटेस्ट होती है, यूनिक होती है, जो आप इज़िली अपने घर पर आप लोग खुद से स्टिच कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे मेरे मंदीप डिज़ाइंस वाले चैनल पर, तो अगर आप लोगों को थोड़ी भी स्टिचिंग आती है तो आप देख के बना सकते हैं। बहुत ही इजी मेरा तरीका होता है और बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट होता है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। तो ये डिज़ाइंस मैं इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि अगर आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं, या फिर आप ये डिज़ाइंस देख कर अपने टेलर से स्टिचिंग भी करा सकते हैं। तो अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी आगे आने वाले हैं, जैसे शादियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, अभी गुड़ी पड़वा आएगी, फिर नवरात्रि आएगी, तो डिज़ाइंस कलेक्शन लगते ही हैं ब्लाउज़ के। तो ये कुछ डिज़ाइंस अभी मैंने फ़िलहाल रेडी किए हुए हैं, आगे और भी मैं आप लोगों के लिए रेडी करूँगी। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूँ कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे पैडेड ब्लाउज़ को लेकर, तो अभी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे डिज़ाइंस के, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डीप नेक के ब्लाउज़ हम विदाउट कप कैसे पहन सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में एक हैक मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, जो मैं यूज़ करती हूं और मेरे कस्टमर्स को भी मैं बताती हूं, तो वो हैक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसलिए मैंने आज ये डमी रखा हुआ है अपने पास में। तो मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और डिज़ाइंस बताती हूँ आप लोगों को। तो नेट के भी कुछ ब्लाउज़ हैं इसमें, तो देखिए फर्स्ट ब्लाउज़ है जो जिसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है चैनल पर, तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर वन शोल्डर जिसे हम पहनना चाहते हैं, जिसे मुझे भी काफ़ी पसंद है, स्लीवलेस या ट्रांजीनेक, पर काफ़ी ऑड लगता है कि हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं पहन सकते हैं या फिर एकदम से खुला हुआ नहीं पहन सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोग वन शोल्डर ब्लाउज़ पहनने के अगर आपको शौक है, तो देखिए इस तरीके से आप नेट पर बना सकते हैं। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये इसका बैक पार्ट है और ये फ्रंट है। तो ये शोल्डर मैंने इस तरफ रखा है, अगर आप लोग चाहें तो इस तरफ भी रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप अपना टॉप या क्रॉप टॉप भी बना सकते हैं। इस तरीके से वन शोल्डर है और ऊपर की तरफ नेट है, इस तरफ अंदर की तरफ अस्तर लगा हुआ है, 3/4 स्लीव्स है। तो ये इस ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट इस तरीके से, देखिए बैक में मैंने यहाँ पर फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और साथ ही देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप हुक लगवा सकते हैं। साइड ज़िप में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखिए यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। साइड हुक भी आप लोग लगा सकते हैं ईज़िली, यहाँ पर इस तरीके से आप पहन सकते हैं साइड हुक लगवा के। तो ये जो ब्लाउज़ है ये वन टक्स पर है और काफ़ी सुंदर लगता है पहनने पे, और ये काफ़ी जल्दी रेडी हो जाएगा। तो ये बैक में देखिए इस तरीके से अभी ये फ्लावर्स आप घर पे ही बनाकर इसे लगा सकते हैं। तो ये लुक है इस ब्लाउज़ का, तो आप अपने बच्चों का भी इस तरीके से ब्लाउज़ बना सकते हैं लहंगे के ऊपर, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बताया है। ये ऊपर से बोट नेक है और अंदर से वन शोल्डर बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट नेक है इसका। तो ये देखिए ये हुआ हमारा फर्स्ट ब्लाउज़, और सेकंड ब्लाउज़ भी फ्रेंड्स नेट पर ही है। तो ये मैंने हाई नेक पर बनाया हुआ है, देखिए इस पर भी मैंने दोनों ही ब्लाउज़ में अंदर कॉटन के अस्तर लगे हुए हैं। मैं अलग अलग शेयर करती हूँ, जैसे कुछ हो गए कॉटन पर, कुछ मैं सिंथेटिक अस्तर लगाती हूँ मैं शाइनिंग वाला जो होता है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है, अंदर की तरफ इसमें अस्तर लगा हुआ है और अस्तर बिल्कुल इनर जैसा लगाया हुआ है हमने, कि ऐसा लगता है जैसे हमने अंदर की तरफ इनर ही पहनी हुई है, कॉटन का है। तो अभी गर्मी आ रही है तो मैंने इसलिए यहाँ पर कॉटन अस्तर यूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक सिंथेटिक अस्तर लगाकर और उसके अंदर फिर एक कॉटन अस्तर भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो कॉलर हमने लगाई हुई है यहाँ पर, ये खुल जाएगी और फ्रंट से ये हाई नेक पर है, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर इतना मैंने गैप दिया हुआ है, तो इजीली आप इसे पहन सकते हैं। और प्रिंसेस कट पर है, इस तरीके से प्रिंसेस कट पे ये बना हुआ है, और इसमें स्लीव्स मैंने छोटी रखी हुई है और बैक से इसका नेक काफ़ी डीप है, देख सकते हैं आप, अंदर से ट्रांसपेरेंट है और आगे से कम डीप है। तो ये वाला ब्लाउज़ भी पहनने पर इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा, और ये नेट पे बना हुआ है, हल्का हल्का इस पर देखिए धागे का वर्क किया हुआ है, नेट भी काफ़ी सुंदर है।
तो देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ है और इसमें भी देखिए मैंने साइड में हुक दिए हुए हैं, तो काफ़ी इजीली आप इसे पहन सकते हैं साइड हुक के साथ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हुक लग जाएंगे आपके। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आप हुक लगा सकते हैं। थर्ड ब्लाउज़ भी मेरा कॉलर वाला ही है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर, तो मैंने अभी आपके साथ ये कॉलर वाला ब्लाउज़ शेयर किया, उसके बाद ये भी देखिए कॉलर ब्लाउज़ ही है और ये बड़े साइज़ का है, ये 40 साइज़ का। इसका भी कटिंग और स्टिचिंग चैनल पर अपलोड है और फ्रंट से ये प्रिंसेस कट है, हाफ कॉलर है और देखिए बैक में भी इसके डिज़ाइन है इस तरीके से। और स्लीव्स बता दूं मैं आपको, यहाँ पर बड़ी स्लीव्स है 3/4 और यहाँ पर ये कोल्ड शोल्डर। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे चैनल पर पहले कि कोल्ड स्लीव्स के लिए, तो ये कोल्ड स्लीव्स भी काफ़ी समय से ट्रेंड में बनी हुई है और काफ़ी अभी भी इसका ट्रेंड चल रहा है। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे कटिंग और स्टिचिंग करना आप लोगों को बताया है। और देखिए बैक में ये डिज़ाइन है, ये फ्रंट ओपन है, प्रिंसेस कट पर है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप हाफ कॉलर नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये वाला अभी हाई नेक कॉलर पर है। तो अभी काफ़ी सारे वीडियो कमेंट आ रहे थे कॉलर ब्लाउज़ को लेके, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं कॉलर ब्लाउज़ के। तो देखिए यहाँ पर ये भी हाफ, ये वाला फुल कॉलर पर है, फ्रंट में इस तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है। तो सेम डिज़ाइन आप चाहें तो अपनी ड्रेस में या कुर्ती में भी बनवा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आता है इस डिज़ाइन का। तो देखिए पीछे की तरफ यहाँ पर भी इसमें पीछे भी डिज़ाइन बनी हुई है। और देखिएगा यहाँ पर जो हुक है हमारे वो पीछे से, देखिए मैंने दो हुक लगवाए हैं इसमें और दो ही हाई बनवाई है ताकि आप इसे पहनते समय अपनी जो नेक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इस पर, ये पहनने पर इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। और नीचे से ये प्रिंसेस कट है, तो ये वाला ब्लाउज़ भी हमारा बड़े साइज़ का ही ब्लाउज़ है ये। और देखिए ये वाला ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, इसका वीडियो ये वाला भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो ये भी बोट नेक पे है और बोट नेक जो ब्लाउज़ हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं ट्रेंड में। तो देखिए इस तरीके से ये प्रिंसेस कट पर है और आगे से बोट नेक है और यहाँ पर इसके डिज़ाइन भी हुई है। सेम मेज़रमेंट लेकर आप कुर्ती में भी इसे बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। और ये भी बैक ओपन पर है, तो देखिए यहाँ से ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, बोट नेक पर है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इतने ही ब्लाउज़ रेडी किए हुए हैं और कुछ अभी मैंने पेजेस भी रेडी किए हुए हैं बैक पार्ट के, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। थोड़ा सा और कलेक्शन मेरा बढ़ जाए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल ये वाले ब्लाउज़ आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल मनदीप डिज़ाइंस पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दी जाएगी, आप लोग देख वहाँ जाकर इसकी इन सभी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग अपलोड हैं, आप लोग देख के बना सकते हैं। और फिलहाल मैं आप लोगों को एक हैक शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप कप लगवाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं या फिर कप वाले जो ब्लाउज़ नहीं पहन पाते हैं, मेरे पास भी कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो नहीं लगवाना पसंद करते हैं, तो वो पूछते हैं कि, तो देखिए मार्केट में जो इनर होती है हमारी वो बड़े साइज़ की भी मिल जाती है अगर आप लोग पता करेंगे तो। और अगर आप नहीं कंफर्टेबल होते हैं कप वाली इनर पहनने में, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा जो ब्लाउज़ होता है वो काफ़ी फिटिंग में होता है, तो ये वाला ट्रिक मैं भी ट्राई करती हूँ। तो देखिए आप जब ब्लाउज़ पहनते हैं तो आप ये कप जो है वो यहाँ पर ऊपर से आप लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ब्लाउज़ तो हमारा बिल्कुल फिटिंग में ही होता है, तो यहाँ से कप आपका नीचे नहीं गिरेगा या फिर ऊपर नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, कप जो लेना है, ये वाले जो पैड लेना है, वो आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, एक साइज़ कम में लेना है, ठीक है। तो
तो देखिए आप यहाँ पर क्योंकि बहुत ही गंदा लगेगा, मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही बिना इनर के ही ब्लाउज़ पहन लेते हैं, पर कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं कि आप लोग इस तरीके से। तो मेरे पास भी काफ़ी जैसे कस्टमर आते हैं तो मैं उन लोगों के साथ भी ये वाली ट्रिक शेयर करती हूँ, उन्हें बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो पैड है आपको वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एक साइज़ कम लेना है। जैसे आपके चेस्ट साइज़ 32 है तो आपको 30 का कप लेना है। तो ये कप जो होते हैं वो मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, आजकल तो इसको स्टोर्स पे भी मिलने लगे हैं, और नहीं मिलते तो आप टेलरिंग शॉप पर तो ये आपको मिल ही जाते हैं। ब्लाउज़ में लगाने वाले पैड होते हैं, ये पैड कहते हैं, कप भी कहते हैं इसे। तो आप लोग इजीली यहाँ से देखिए ये अटैच हो जाता है यहाँ पर, आप पहले ब्लाउज़ पहन लें उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पर कप लगा सकते हैं। तो ब्लाउज़ हमारा एकदम फिटिंग में होता है तो ये हिलते ही नहीं है, तो इससे क्या होता है जो आपका यहाँ का शेप है वो भी अच्छा दिखता है, ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी हो जाती है और आपको भी कंफर्टेबल लगता है, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाली ट्रिक मैं आप लोगों के साथ काफ़ी समय से शेयर करना चाह रही थी, तो काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आप लोगों का इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग कप लगवाना, इन ब्लाउज़ों में अगर आप कप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैंने कप वाले वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।